हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं पीडीए के बारे में, पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में। आपको थोड़ी बहुत आइडिया तो फाइनाइट ऑटोमेटा की होगी, उसमें अगर मैं थोड़ा सी चीजें ऐड कर दूं, थोड़ी सी चीजें ऐड ऑन कर दूं उसके अंदर, तो फिर एक नया मशीन बन जाता है जिसे हम पुश डाउन ऑटोमेटा बोलते हैं। तो वो एक नई चीज क्या है, व्हाट इज दैट न्यू थिंग? इट इज अ मेमोरी एलिमेंट। मतलब नॉर्मली अगर आप फाइनाइट ऑटोमेटा कंसिडर करोगे, उसमें अगर आप ऐड कर दो एक मेमोरी एलिमेंट जो कि आपका यहाँ पे स्टैक होने वाला है। सो स्टैक इज दैट मेमोरी एलिमेंट विच इज एडेड टू योर फाइनाइट ऑटोमेटा टू गेट अ पुश डाउन ऑटोमेटा। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपका कम से कम समय लूंगा दोस्तों, लेकिन अपनी तरफ से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश में करूंगा। ये पार्ट वन है ऑफ द पुश डाउन ऑटोमेटा, जहां पे पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, जो थ्योरी आपको पता होनी चाहिए पीडीए से रिलेटेड, वो पार्ट वन में मैं दे दूंगा। और फिर प्रॉपर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन विद सॉल्व एग्जाम्पल्स पार्ट टू में मैं आपको ये जो पूरी थ्योरी है ये उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको मैं पार्ट टू में एक्सप्लेन कर देने वाला हूं। तो यहां पे पहले बेसिक समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया पुश डाउन ऑटोमेटा इट्स नथिंग बट अ फाइनाइट ऑटोमेटा विद एन एडेड मेमोरी एलिमेंट एज अ स्टैक। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस इज अ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा। तो इसमें आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले आपको इनपुट टेप तो चाहिए भाई, क्यों? बिकॉज आप इसमें आपकी जो इनपुट स्ट्रिंग्स है वो लगाओगे, इसमें रखोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका सिग्निफिकेंस अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब एक्चुअल में हम लोग पीडीए तैयार करेंगे, उसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम तैयार करेंगे, ट्रांजिशन फंक्शंस डिफाइन करेंगे, तब आपको इस एप्सिलॉन का सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। हमेशा जबी भी आप यहां पे स्ट्रिंग्स आपने डालते हो, जो भी इनपुट स्ट्रिंग है उसके एंड में, हर इनपुट स्ट्रिंग के एंड में यहां पे आप एप्सिलॉन डालते हो। रिमेंबर एट एवरी एंड ऑफ एवरी स्ट्रिंग देयर इज गोइंग टू बी एन एप्सिलॉन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक आपका फाइनाइट कंट्रोल यूनिट होता है। ये फाइनाइट कंट्रोल यूनिट का यहाँ पे एक रीड हेड होता है, रीड पॉइंटर होता है, जो आपके एक एक जो आपका इनपुट अल्फाबेट है उसको रीड करते जाता है। और ये है आपका नया एडेड थिंग, एड ऑन थिंग, दैट इज अ मेमोरी एलिमेंट। यहाँ पे आपका स्टैक है, तो वो स्टैक के साथ भी इंटरेक्टेड रहता है आपका ये एफसी यूनिट यानी फाइनाइट कंट्रोल यूनिट, और आपके इनपुट अल्फा इनपुट टेप के साथ भी इंटरेक्टेड रहता है। तो ये हो गया सिंपल सा एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पीडीए। अब बढ़ते हैं इसके प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर कि ये जो पीडीए एक मशीन है ये किस तरीके से डिफाइन की जाए। तो उसे 7 टपल्स की मदद से हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे टपल्स हैं जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा में आपने देख लिए हैं। जैसे कि ये क्यू है, इट इज अ सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट। यहाँ पे इनपुट अल्फाबेट, ये आपको सिंबल्स पता है, ये डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन। हाँ, अब सिर्फ ट्रांजिशन फंक्शन में थोड़े बहुत बदलाव है, जो मैं आपको अगली वीडियो में जब हम लोग पूरा डिटेल में एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन विद एन सॉल्व एग्जांपल देखेंगे, वहां पे ट्रांजिशन फंक्शन किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है वो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी आप सिर्फ एक समझो, ये एक टपल है विच इज यूज टू डिफाइन द पीडीए। ठीक है, दैट इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। फिर आते क्यू नॉट के ऊपर। क्यू नॉट इज अ सिंपल स्टार्ट स्टेट, या फिर जो आपकी इनिशियल स्टेट होते हैं जिसके पीछे हम एरो लगाते हैं, बराबर। उसके बाद आता है जेड नॉट। जेड नॉट एक नई चीज है इसमें, देयर इज समथिंग न्यू। मतलब क्या? ये इनिशियल स्टैक सिंबल है। मतलब अभी जब इनिशियली आपके पुश डाउन ऑटोमेटा ने काम करना शुरू नहीं किया है, तो इनिशियली यहाँ पे जो इनिशियल स्टेज पे आपका जेड नॉट, या फिर कुछ रेफरेंसेस में जेड भी बोला जाता है सिर्फ, ओके? तो ये जेड नॉट या जो जेड है वो आपका इनिशियली आपका टॉप ऑफ द स्टैक होगा। दिस इज गोइंग टू बी इनिशियली टॉप ऑफ द स्टैक, दिस सिंबल जेड नॉट, इनिशियल स्टैक सिंबल, इनिशियली आपका वो टॉप ऑफ द स्टैक होगा। उसके बाद फिर आप इंट्रोड्यूस करोगे अगले अगले अल्फाबेट जो कि आपके टॉप ऑफ द सिंबल्स बनते जाएंगे, लेकिन इनिशियली आपका स्टैक सिंबल जेड नॉट होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये एक नया सिंबल है टाउ। ये टाउ क्या है? स्टैक अल्फाबेट्स, मतलब वो अल्फाबेट्स जो कि अलाउडेड है टू गेट इनटू द स्टैक। तो इनिशियली तो मैंने बोला भैया जेड नॉट, तो जेड नॉट बिलोंग्स टू टाउ, बिकॉज जेड नॉट आपका इनिशियली टॉप ऑफ द स्टैक होने वाला है। यहाँ पे होगा आपका इनिशियल टॉप ऑफ द स्टैक बिफोर द पुश डाउन ऑटोमेटा इज गेटिंग स्टार्टेड ऑन ऑपरेशन। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया है। ये तो सिंपल सी बात है। एफ, एफ क्या है? ये आपका फाइनाइट स्टेट्स है। यहाँ पे आपके फाइनाइट स्टेट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मतलब अगर वहां पे दो मैकेनिज्म्स है एक्चुअली, एक होता है आपका यूनिवर्सल मैकेनिज्म और दूसरा होता है लोकल मैकेनिज्म। मतलब जब आपको एक स्ट्रिंग दे दी गई है पुश डाउन ऑटोमेटा को एंड चेक करने के लिए कि क्या ये पुश डाउन ऑटोमेटा इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है या नहीं, तो उसके भी दो तरीके हैं, एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट एंड एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। तो जब भी आप एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट करने जाते हो तो यहाँ पे आपको फाइनल स्टेट्स मिल जाएंगे। इट इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, तो आपको वहां पे फाइनल स्टेट्स मिल जाएंगे। तो एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट इज अ यूनिवर्सल मेथड, इट इज अ यूनिवर्सल मेथड। और जब आप एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक करने जाते हो तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको एक भी स्टैक नहीं मिलेगा, बिकॉज वो इंप्लीमेंटेशन ही अलग है। आप स्टैक को एम्प्टी करते हो,
दैट इज वॉट द इम्प्लीमेंटेशन, इसीलिए उसे लोकल मैकेनिज्म भी कहा जाता है, और जो पहले वाला था उसे यूनिवर्सल मैकेनिज्म कहा जाता है, जहां पे हम एक्सेप्टेंस बाय फाइनाइट स्टेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गए सारे आपके टपल्स जो कि आपके पीडीए को डिफाइन करते हैं। इन सारों को, इन सब के सब चीजों को हम लोग एक्चुअल में जब इंप्लीमेंट करेंगे वहां पे समझने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे एक पोर्शन पे जो मैं बिफोर द एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके दो स्टेट्स हैं जो तो आपके फाइनाइट ऑटोमेटा में भी होते थे। यहाँ पे आपका क्या है, ये इनिशियल स्टेट है, बिकॉज दिस एरो इंडिकेट्स दिस इज इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पे ट्रांजिशन कैसे होता है, यहाँ पे कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है, ये ए बी और सी इसका मतलब क्या है, सिंपली इसका मतलब क्या है। तो ये क्या होता है, ये जो है आपका ए, मतलब जब मैं इस स्टेट से इस स्टेट पे ट्रांजिट कर रहा हूं, तो ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब क्या है, ए का मतलब होता है इनपुट सिंबल। मतलब जब आपका रीड हेड यहाँ पे इनपुट सिंबल रीड कर रहा है, रीड हेड या पॉइंटर कह लो, जब वो आपका इनपुट सिंबल रीड कर रहा है तो यहाँ पे आपका ए होगा मे बी, तो वो ए जो है वो आपका इनपुट सिंबल है। ये बी क्या है, बी इज नथिंग बट द टॉप ऑफ द स्टैक, बी इज नथिंग बट टॉप ऑफ द स्टैक होता है आपका। ओके, एंड यहाँ पे दो आप सिंबल्स को यूज कर सकते हो, एक तो ऐसा या फिर ये एरो, ये दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन इसके बाद जो सी लिखा गया है उसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, सी मतलब यू आर गोइंग टू पुश ऑन द स्टैक। तो ये जो सी है इसका मतलब आप कुछ पुश करने वाले हो, जो ये सी आप पुश करने वाले हो अपने स्टैक के ऊपर। और जब ये सी आपका एप्सिलॉन होता है, when your c is epsilon, that means you are simply, ये जो आपका operation आप perform कर रहे हो, this operation is a pop operation, दो kind of a basic operation आप perform करते हो, that is a push operation या फिर pop operation। तो जब आपकी ये c की value, जब आपकी ये c की जगह पे आप यहाँ पे epsilon लिखते हो किसी एक transition में, तो वो actual में transition आप क्यों perform कर रहे हो, to pop some alphabets out of the stack, to pop some alphabets out of the stack। तो mostly most cases में आप c का एप्सिलॉन होता है उन पॉप ऑपरेशंस में। तो ये बेसिक ब्रीफ आइडिया दोस्तों मैंने पीडीए के बारे में आपको यहाँ पे दे दी है। अगले वीडियो में पार्ट टू में प्रॉपर एक एग्जांपल के साथ आपको सारी चीजें बताऊंगा कि भैया एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट कैसे होता है, एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक कैसे होता है, ट्रांजिशन फंक्शन कैसे वर्क होता है, वो सारी चीजें उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। ये बेसिक एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीडीए मैंने आपके सामने रख दिया है। ये अगर वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। एग्जाम बड़े नजदीक आ गई है, अपने दोस्तों तक मेरी मदद पहुंचाइए, शेयर करते जाइए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।